ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पिछली क्लास वहाँ पर मैंने ख़त्म की थी। लास्ट क्लास में हमने देखा हाउ टू क्रिएट आर फर्स्ट सी प्रोग्राम, एंड देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एनी सी प्रोग्राम। फर्स्ट वन इज द प्री प्रोसेसर और लिंकिंग सेक्शन, देन मेन सेक्शन, एंड देन UDF। UDF आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी मैंने, द रिटर्न टाइप मस्ट बी इंट। अगर मैं नहीं भी स्पेसिफाई करूँगा स्टिल इट विल बी इंटीजर, एंड यूज द रिटर्न कीवर्ड विथ द वैल्यू जीरो, रिटर्न विथ द वैल्यू जीरो। सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो डोंट यूज एनी कैपिटलाइज और अपर केस विद एनी कीवर्ड, नॉट इवन द नॉट टू यूज द कैपिटल इन साइड द विद द मेन और द प्रिंट एफ। ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन इन द लोअर केस। ओनली द थिंग्स वेयर वी कैन यूज एनी ऑफ द केस टू प्रिंट एनी मैसेज। कोई भी अगर हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी अगर हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, तो मैसेज के अंदर जैसे देखो मैंने यहाँ पे दो तीन तरह से कल एग्जाम्पल पिछली फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर मैं अपना कोई फंक्शन बना लूँ तो भी मुझे इसे कॉल कहाँ करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में, ठीक है। विदाउट कॉलिंग द फंक्शन इन साइड द मेन नथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था पिछली क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। और अब देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है कई बार इंटरव्यू में या कहीं भी कि सबसे छोटा राइट द स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम, कहेगा सी का सबसे छोटा प्रोग्राम लिख के दिखाओ, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा मतलब कितना छोटा, तो सबसे छोटा प्रोग्राम आपका सी का यही है, कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी मेन बना दिया। दिस इज द स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम, दिस इज द स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम। क्या लिखा मैंने, सिर्फ मेन, कुछ लिखा क्या नहीं। स्टिल इट इज एग्जीक्यूटेड। अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो उसके बाद कोई एरर नहीं आएगी, सक्सेसफुली रन होगा। और अगर कोई चीज सक्सेसफुली रन हो रही मतलब हमारा प्रोग्राम बना है। आउटपुट कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये आउटपुट कुछ भी नहीं दिखाएगा, बट ब्लैंक स्क्रीन एक आएगी और उसके अंदर देख रहे हैं आप क्या दिख रहा, केवल एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही है लेकिन कोई आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिर्फ मेन लिख देना भी सिंपल एक अपने आप में पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सी प्रोग्राम में क्या कहेंगे आप लोग, सिर्फ ओनली मेन फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं आज की, हाउ टू राइट कॉमेंट्स। प्रिंटएफ के साथ हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया था, सैंपल प्रोग्राम भी देख लिया था। अब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। देखिए भाई रूल्स ये कहता है, हमने दो तीन रूल्स की डिस्कशन किया था आपके साथ। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट बिगिंस विद द मेन फंक्शन, बिफोर द मेन वी हैव टू लिंक द लाइब्रेरी इफ रिक्वायर्ड, एंड द मेन लाइब्रेरी इज stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कौन से हेडर फाइल है भाई, stdio, stdio.h हैश इंक्लूड के साथ लगाना है। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो ऑलवेज यूज लोअर केस फॉर राइटिंग द स्टेटमेंट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जिनका केस बदल सकता है, वो बताऊंगा कौन से। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन, ये बताया था मैंने। सिर्फ किसको छोड़कर, ओनली द स्टेटमेंट दैट बिगिंस विथ कर्ली ब्रैकेट। ऐसे स्टेटमेंट जो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होते हैं उनके आगे सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। और एक जगह और नहीं लगाना, हैश इंक्लूड में, हैश इंक्लूड के बाद भी सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है। नाउ टूडेज सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, कमेंट्स। चलिए एक टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, कमेंट्स। सपोज कीजिए मैंने लिखा प्रिंट एफ, पहले प्रैक्टिकल देन थ्योरी समझाऊंगा। प्रिंट एफ मैंने लिखा, वेलकम टू जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन, ये मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद आपको ये रहा कि मुझे दूसरा कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है इन प्लेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होगा प्रोग्राम में कि आप कोई लॉजिक बनाएंगे, ये चल गया वेलकम टू जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। कई बार प्रोग्राम में ऐसा होगा कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया और अचानक से लगा नहीं इसमें मैं थोड़ा दूसरा लॉजिक करके देखता हूँ। उस सिचुएशन पे आपको क्या रहेगा कि भाई ये वाला लॉजिक क्या मैं डिलीट कर दूँ। एक ऑप्शन है कि भाई इसको डिलीट करें, एक ऑप्शन क्या है ये, डिलीट करें। एक ऑप्शन ये कि हो सकता है डिलीट करने के बाद मुझे याद ही ना आए कि मैंने क्या लिखा था, तो आप उसे कट करके कहीं पेस्ट करके रख लो ताकि अगर दूसरा लॉजिक नहीं चला तो पहला वाला तो हमारे पास रहे। ये दोनों तरीके गलत हैं। सही तरीका यह है कि अगर किसी स्टेटमेंट को नहीं चलाना है तो जस्ट मेक इट कमेंट, कमेंट के लिए डबल स्लैश लगा दो। क्या लगा दो, डबल स्लैश। सी की बात कर रहे हैं,
कमेंट्स आर द लाइन ऑफ कोड दैट इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, ठीक है, जो कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगे, लिखा रहेगा उसको स्किप कर देगा कौन, कंपाइलर। अब अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ हेलो, क्या ऊपर की लाइन प्रिंट होगी, बिकॉज वी हैव मेड इट कमेंट, ठीक है। सो कमेंट प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। सो कमेंट्स आर द लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स और एनीथिंग एनी डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट रीड बाय द कंपाइलर, वो रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर। सो इफ देयर इज एनी एरर इन द कमेंट सो डज इट डिक्टेटेड बाय द कंपाइलर और नॉट, क्या लगता है आपको? हाँ, कंपाइलर उसे देखेगा ही नहीं क्योंकि हमने क्या लगा दिया, डबल स्लैश, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एरर है, सेमी कॉलन छूटा नहीं छूटा, इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये क्या बन चुका है, कमेंट बन चुका है, क्लियर है। सो कमेंट ओनली फॉर द यूजर डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। कई बार ऐसा भी होगा कि हम प्रोग्राम लिखते समय भी कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बना है, कोई बड़ा प्रोग्राम बना है, सपोज को मैं कोई गेम बना रहा हूँ, अब 1000 लाइन का प्रोग्राम है, कभी आज मैंने सेव किया, कल या 2 साल बाद वो प्रोग्राम अचानक से मुझे दिखा, मुझे खोला मैंने प्रोग्राम, अरे यार ये प्रोग्राम तो मैंने बनाया था, लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा प्रोग्राम बनाया किस लिए था। पूरा प्रोग्राम मैं पढ़ूंगा कोड, उसके बाद समझ में आएगा प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बना था। तो इससे अच्छा ये है कि आप शुरू में ही कमेंट लिख दीजिए, प्रोग्राम फॉर स्नेक गेम, कुछ भी, तो जब भी आप शुरू करेंगे शुरू से दिख जाएगा। तो जो कमेंट्स होते हैं दो पर्पज है, एक तो किसी भी स्टेटमेंट को डिसेबल करना है, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज टू टू स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ प्रोग्राम फॉर द यूजर, फॉर द यूजर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, फर्स्ट वन इज द सिंगल लाइन कमेंट, ये जो मैंने आपको दिखाया कौन सा कमेंट हुआ, सिंगल लाइन कमेंट, दैट मीन्स केवल एक ही लाइन को कमेंट करेगा, उसके नीचे वाली लाइन को कमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट व्हेन यू वांट टू कमेंट ग्रुप ऑफ लाइन, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं चाहूँ दोनों लाइन को कमेंट करो, सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल स्लैश जस्ट स्टार्ट विद द स्लैश एंड स्टार एंड क्लोज विथ स्टार स्लैश, क्लोज विथ स्टार स्लैश, नाउ इट इज मल्टी लाइन कमेंट, बोथ ऑफ अबव लाइंस आर नाउ कमेंटेड एंड द लास्ट मैसेज विल बी शोन, केवल लास्ट वाला मैसेज आएगा, प्रिंट एफ वेलकम वाला आएगा, उसके पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने सबको कमेंट कर दिया। क्लियर है भाई, बस इतना सा ही है कमेंट। तो कमेंट सेक्शन कितने तरह के, दो तरह के, सिंगल लाइन मल्टी लाइन, सिंगल लाइन के लिए क्या यूज करना है, डबल स्लैश, मल्टी लाइन के लिए स्लैश कोटेशन स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, ठीक है, सी की बात हो रही है, पाइथन में पता है तुम्हें, ठीक है, ओके ओके, कमेंट हो गया। चलिए अब देखते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कैसे करना, ये मैंने बता दिया है कि आपको कंपाइल करने के लिए अगर आप कोड ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा, बिल्ट का ऑप्शन, और बिल्ट में एक ऑप्शन आएगा बिल्ट एंड रन, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बिल्ट एंड रन, एक ऑप्शन उसके ऊपर रन का है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना भाई, बिल्ट एंड रन और रन में क्या ऑप्शन है। मान के चलो मैंने एक कमेंट हटा दिया, मान के चलो मैंने कमेंट हटा दिए और मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया, स्लैश एन क्यों यूज होता है कोई बताएगा मुझे, न्यू लाइन के लिए, हमने कहा प्रिंट करो फिर लाइन चेंज कर दो ताकि अगली वाली नेक्स्ट लाइन पर हो। अब मैंने इसको चेंज तो किया लेकिन मैंने यहाँ से बिल्ट एंड रन नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया, रन, सिर्फ क्या किया, रन, देखो एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम, तो रन हमेशा उसे चलाएगा जो लास्ट सक्सेसफुली रन हुआ था, लास्ट सक्सेसफुली जो रन हुआ था उसे चलाएगा। याद करो पहली क्लास जब मैंने कहा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर क्या करता है, कोड को एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रख लेता है और हर बार उस डुप्लीकेट कॉपी को चलाता है ताकि अगर आपका प्रोग्राम में चेंज भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये वही कॉन्सेप्ट है, रन हमेशा उस डुप्लीकेट कॉपी को चलाएगा जो पिछली बार रन हुआ था, और बिल्ट एंड रन हर बार कंपाइल करेगा देन चलाएगा। तो अभी अब देखो बिल्ट एंड रन किया तो अब क्या चीज, हाँ डबल कोटेशन के अंदर ही रहेगा, हाँ रन होगा ना, डबल कोटेशन के अंदर ही स्लैश एन आता है, तो देखो रन हो रहा है, तो बिल्ट एंड रन का मतलब है हर बार कंपाइल करके रन करो, और अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हर बार ही तो प्रोग्राम में चेंज करेंगे ही, तो हर बार हम क्या करेंगे, बिल्ट एंड
रन, और रन हाँ, और अगर रन करेंगे तो लास्ट टाइम का जो आउटपुट आएगा सिर्फ वो दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम कि रिटर्न रिटर्न कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है। फाइल का नेम दो तरह से लगा सकते हैं, या तो एंगुलर ब्रैकेट में या फिर डबल कोटेशन में, ये हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल की लिस्ट है जिसको अभी आपको पढ़ते रहना, रोज़ पढ़ना है, ताकि इसमें से 8-10 फाइलें याद हो जाएँ। धीरे धीरे आगे ज़रूरत पड़ेगी इनकी, प्रोग्रामिंग इनकी बताएंगे जब आगे, तो इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। कौन कौन से हेडर फाइल हैं, देख बार इनको नज़र मार लेते हैं जल्दी से। string.h, अभी हमने क्या पढ़ाया था, stdio.h। इसके अलावा कौन से हेडर फाइल हैं, देखिए string.h, math.h, ctype.h, stdlib.h, assert.h, float.h, conio.h, time.h, malloc.h, इतनी सारी फाइल्स हैं। इसके अलावा भी फाइल्स हैं, और ये फाइल है मतलब इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं। तो हमें इनमें से कुछ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक एक हेडर फाइल को निपटाते चलेंगे। हाँ, ये सारी इनबिल्ट हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछली क्लास में कहा इंपॉर्टेंट हेडर फाइल कौन सी थी, stdio.h। ओके, नाउ ये सारा जो खेल हमने सीखा अभी तक, जो सीखा ये किस आईडी पे किया हमने, कोड ब्लॉक पर। आज मैं आपको यही प्रोग्राम जो पिछली क्लास में पढ़ाया एक बार टर्बो पे चला के दिखाऊंगा, क्योंकि टर्बो पे भी काम हमें सब में करना आना चाहिए भाई, काम तो हमें सब में करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में आना चाहिए। तो टर्बो अगर आपके पास है तो देखो इस तरह से स्क्रीन पे दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना नेट से निकाल के। तो देखिए आपने टर्बो चलाया, ये रहा आपकी टर्बो की स्क्रीन। आप F5 प्रेस कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ से न्यू कर लेना, वैसे मेरे पास न्यू फाइल ही दिखा रहा है। ये सी पी पी दिखा रहा, मतलब C++ की फाइल है, याद रखें कौन सी फाइल है, C++ की फाइल है। C का एक्सटेंशन .c होगा। अब देखो हमने कहा कि आपका प्रोग्राम कहाँ से शुरू करना है, मेन से। printf के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती खास लाइब्रेरी की। आपने printf किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, सिर्फ मैंने एक मैसेज दिया। और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ भी मेरे पास रन का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और है, कौन सा, कंपाइल। यहाँ पर कंपाइल और रन दो अलग अलग चीज़ हैं, तो पहले कंपाइल करेंगे देन रन करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा एरर 1, कौन सा एरर है, देखो ये कहता नीचे एरर फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ये कह रहा printf मुझे नहीं मिल रहा है, क्या कह रहा है ये printf मिलता है stdio.h में और मैंने नहीं लगाई। लेकिन यही प्रोग्राम जब हम कोड ब्लॉक में चला रहे थे तो चल रहा था विदाउट stdio.h, समझो बात को। अगर ये C का प्रोग्राम है तो printf बिना stdio.h का चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि C का प्रोग्राम ही नहीं है, ये ऊपर क्या लिखा लगा हुआ है, cpp। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सबसे पहले इसे C का प्रोग्राम बदलो और इसे करो सेव। और सेव करते समय सिर्फ इतना हटाकर इसका नाम सपोज करो प्रोग्राम 1 है, डॉट क्या लगा दो, सी डॉट सी। तो अब देखो क्या होगा, अब ये डॉट सी हो गया। तो अब अगर फिर से इसे मैं कंपाइल करूं तो इस बार हाँ कंपाइल से ट्रांसलेशन होता है, ये बताता कोई एरर है कि नहीं। यहाँ पर एरर्स क्या दिखा रहा है, जीरो एरर है। वार्निंग एक दे रहा है, वार्निंग सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं लिखा है जीरो। तो एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न जीरो लिखा और फिर से हमने इसे क्या किया, कंपाइल। वार्निंग जीरो, एरर जीरो। क्या यहाँ पर कोई stdio.h की एरर आई, नहीं आई भाई। स्क्रीन दिख रही ना विजिबल, ब्लैक स्क्रीन तो नहीं हुई है, लाइव वाले बच्चों एक बार कंफर्म कर दो स्क्रीन ब्लैक तो नहीं हो गई है। ओके, तो यहाँ पर stdio.h की ज़रूरत यहाँ भी नहीं पड़ी, किसके लिए, printf लगाने के लिए। और कोई फंक्शन होगा तो ज़रूरत पड़ेगी, बट printf इज अ डिफॉल्ट फंक्शन दैट विल वर्क विथ ऑल टाइप्स ऑफ सी कंपाइलर, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। बट कंडीशन इज दैट फाइल मस्ट बी सेव विद द एक्सटेंशन .c। सेव हो गई, तो यहाँ भी अब एक बार कंपाइल किया मैंने और अगली बार मुझे यहाँ पे करना है रन, या फिर कंट्रोल F9 प्रेस कर देना है, काम हो जाएगा। ये रन हुआ लेकिन यहाँ मुझे आउटपुट विंडो नहीं दिखी,
समझना बात को, यहाँ पर रन तो हुआ प्रोग्राम बट क्या नहीं मिला, आउटपुट विंडो। जब हम कोड ब्लॉक पे काम करते हैं, कोड ब्लॉक विंडोज बेस्ड होता है, इसलिए हर चीज़ को सेपरेट विंडो में दिखाता है और विंडो रुकी रहती है। यहाँ पर आउटपुट आया था बट आउटपुट देखने से पहले ही विंडो चली गई, समझो। मैंने फिर से रन किया, आउटपुट आया, एक थोड़ी सी ब्लिंक हुई थी और चली गई। अगर जो विंडो चली गई उसे हम वापस कैसे देख सकते हैं, तो वापस देखने के लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, शायद से डॉस शेल, एक बार देख लेता हूँ मैं ज़रा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन तुमको बता देता हूँ मैं, कि जब भी आपको कोई ऑप्शन देखना विंडो पे वापस जाके देखना प्रोग्राम को, भाई पिछला आउटपुट क्या आया था मेरे पास, तो आपको यहाँ दबाना अल्टर F5। क्या करना है, अल्ट F5, यूज़र स्क्रीन का ऑप्शन है विंडो के अंदर। क्या किया, अल्ट F5, ऊपर दिख रहा है हेलो हेलो, ऊपर सबसे ऊपर देखना लाइन पे, वहाँ जाके हेलो हेलो दिख रहा है। क्यों दो बार दिख रहा है, क्योंकि मैंने दो बार रन किया था। अब देखो फिर से रन कर रहा हूँ, फिर से मैंने अगर रन किया, फिर से मैंने रन किया, फिर जाके मैं विंडो पे जाके देखा यूज़र स्क्रीन, तो ओहो रन नहीं किया था क्या, एक बार फिर देखते हैं। रन किया, विंडो पे गए, यूज़र स्क्रीन देखा, नीचे आ रहा है इस बार हेलो हेलो, ऊपर मत देखो इस बार, कहाँ देखो, नीचे देखो, ये एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है उसका अपना। तो यहाँ पर देखो समस्या ये हो गई कि हमें तीन चीज़ करनी पड़ रही, पहले हमने कंपाइल किया, फिर हमने रन किया, और फिर हमने विंडो देखी, क्योंकि आउटपुट आकर क्या हो रहा है, जा रहा है। अब एक बार और आएगा, जितनी बार मैं रन करूँगा बेटा उतनी बार यहाँ पे चलेगा, फिर एक बार मैंने रन किया तो फिर से आएगा ना। हाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं ना हम, तो सॉल्यूशन हम देंगे आपको, कंट्रोल अल्टर एफ। तो जितनी बार मैं रन करूँगा ना उतनी बार वो आउटपुट विंडो बढ़ती जा रही है। अल्टर F5 से हम वापस देख सकते हैं रिजल्ट को, कहाँ जाकर देखो एक बार और, पिछला जो आउटपुट था प्लस नया आउटपुट, वो उससे पिछले बार आउटपुट था उसका पिछला बार, जितनी बार हम रन कर रहे हैं उतनी बार आउटपुट आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं, मैं चाहता हूँ पहला सॉल्यूशन कि जब भी मेरा प्रोग्राम रन हो पिछला आउटपुट नहीं आना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ कोड ब्लॉक में ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक फंक्शन बता रहा हूँ आपको मैं, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, कौन सा फंक्शन, क्लियर स्क्रीन CLRSCR, एंड दिस फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम conio.h। कहाँ से आता है ये भाई, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, विच हेडर फाइल, conio.h। प्रिंट एफ कहाँ से आ रहा है, stdio.h। हालांकि इन दोनों फंक्शन के लिए हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सी में हैं, बट अगर फिर भी दिख जाए आपको, समझ लेना हेडर फाइल अगर लगी हुई दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी रहेगी भाई, हैश इंक्लूड, हैश टैग नहीं बोलना है, हैश stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, क्योंकि हम दो ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा कि अब अगर मैं रन करूँगा, अगर अब मैंने रन किया, देखना रन किया और उसके बाद मैंने विंडो देखी, विंडो के लिए मैंने यहाँ पर अल्टर F5 किया, तो सिर्फ सिंगल हेलो दिखेगा, जितनी बार मैं रन करूँगा उतनी बार। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे आउटपुट विंडो को देखना है, मैं नहीं चाहता हूँ बार बार मुझे विंडो पर जाके देखना पड़े। तो जब भी आप होल्ड चाहते हैं, समझिएगा, जब भी आप चाहते हैं हॉल्टेड हो जाए, आउटपुट रुका रहे, तो मुझे कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन देना होता है ये बताने के लिए कि वेट अनटिल आई गिव एनी इनपुट, वेट अनटिल आई गिव एनी इनपुट, जब तक कोई इनपुट ना दूं तब तक आप वेट करिए। और इनपुट के लिए कोई भी इनपुट फंक्शन लगा सकता हूं, और सबसे सरल इनपुट फंक्शन getch, कौन सा फंक्शन है, getch, इट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम conio.h। ये भी कहाँ से आ रहा भाई, conio.h से आएगा, ये हेडर फाइल भी, सॉरी ये फंक्शन भी। getch is used to hold the output until user press any key, hold output until user press any key, याद रहेगा, hold output until user press any key, कोई भी key press नहीं करता, देखो ये रुक गया है। और इसको एक्चुअली कहते हैं until user get any character, user give any character, तब तक hold करो जब तक user कोई character नहीं दे देता। getch, get character, वो wait कर रहा है कि आप कोई character type करें, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप करें, अब यहाँ भी एक चीज़ है, देखो ध्यान से, अगर हमने कोई ऐसी की प्रेस कर दी जिसका कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है, मान के चलो कोई ऐसी की प्रेस कर दी जिसका कोई कैरेक्टर होता नहीं है, और उनमें से एक की है
कंट्रोल F9, एक मिनट जरा रन करते हैं। एक की है शिफ्ट, अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो देखो एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि शिफ्ट से क्या कोई कैरेक्टर टाइप होता है। अल्टर मैंने प्रेस किया, अल्टर देखो नहीं हो रहा एग्जिट। मैंने कंट्रोल किया, नहीं हो रहा है। नंबर से होगा भाई, नंबर से टाइप होता है। जिस किसी की से टाइप होगा या स्पेस आएगा या कुछ भी हलचल होती है, उससे ही हमारा प्रोग्राम उसको इनपुट मानता है और आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम इनसाइड विच टर्बो। टर्बो सी के अंदर इतनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा कम से कम, तब आपका प्रोग्राम प्रॉपरली चलेगा। बट ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट नहीं है, चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि सी का प्रोग्राम बनाओ तो क्लियर स्क्रीन और गेट सी जबरदस्ती नहीं लिखना है। ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम कहाँ पर हैं, टर्बो पर। सी के हर प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ से होती है, एक्चुअल सिर्फ एक ही लाइन का प्रोग्राम है हमारे पास, प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, लाइव वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये टर्बो के अंदर आप करेंगे तो ये आपकी सहूलियत के लिए बताया केवल कि इतनी चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी हैं। तो क्लियर स्क्रीन का यूज़ क्या हुआ भाई, कुछ कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जहाँ पे क्लियर स्क्रीन काम नहीं करेगा, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे क्लियर स्क्रीन काम नहीं करेगा, वहाँ के लिए दूसरा अल्टरनेटिव याद रखें, सिस एंड सिस लिख के लिखना आपको, CLS, सिस CLS। अगर कहीं पे क्लियर स्क्रीन काम ना करे तो एक उसका अल्टरनेटिव विकल्प दे रहा हूँ आपको, लिखना सिस और ब्रैकेट में CLS, सिस CLS या फिर सिस्टम CLS। सिस नहीं ले रहा भाई, सिस्टम CLS लेगा। सिस्टम CLS, जस्ट मिनट। सिस्टम CLS, क्या हो गया, तो ये दो चीज़ें हम पढ़ के आ गए वहाँ से। जैसे सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करता है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो ये तो हम बता के आ गए वहाँ पर कैसे करना है। यहाँ भी हम चाहें तो गेट सी एस लिख सकते हैं। गेट सी एस का काम क्या बताया मैंने अभी, सबको याद है, होल्ड करना, कब तक, गेट सी एस मैंने यहाँ लगाया, देन मैंने यहाँ भी क्या लगा दिया, गेट सी एच। अगर मैंने प्रोग्राम को रन किया, If I'm going to execute this program, then you will get only first output. Welcome to GIST Tech. Only single. Then it is hold waiting for any input. जैसे मैंने कोई की प्रेस की, अगला आ गया hello. Again it is waiting for input. क्योंकि मैंने get CS लगाया. Then अगर मैंने किया, then program is finished. So we can use any number of time. We can use this function any number of time. But most of the cases you will see this type of statement only at the end of program. End of program पे दिखेगा जरूर, but इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी पे ही यूज होगा। कॉन्सेप्ट समझो, हम जहां भी लगाएंगे वहां पे इनपुट क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जहां भी हम लगाएंगे वहां पर इनपुट होल्ड हो जाएगा। चलो भाई, अब एक चीज और बताना, अगर इस गेट सी एस के बाद मैंने क्लियर स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दिया, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्या काम करेगा, अब देखो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, तो एक बार तो एक काम करते हैं, ये लगा के देख लेते हैं क्या, हैश इंक्लूड कोनियो, ये भी लगा के देख लें पहले, और फिर भी नहीं चला तो उसका सोल्यूशन देंगे। कोनियो डॉट एच लगा दिया, अब देखो नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर हमें चलाना है, पहली बार डायरेक्टली क्लियर होता है, बट अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो मैंने अभी अभी बताया कि आपको क्या लिखना है, सिस्टम CLS। अब अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो इसके लिए एक हेडर फाइल यहाँ बता दूंगा मैं कौन सी होती है। अभी ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जैसे ही गेट सी एस मैं कोई की प्रेस करूँगा वैसे ऊपर वाला गायब हो जाएगा। क्यों गायब हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया, क्लियर स्क्रीन। मतलब जब भी नीचे का आएगा तो पहले क्या होगा, क्लियर होगा, देन हेलो आएगा। देन अगेन मैंने गेट सेस लिखा और उसके बाद हमने लिख दिया सिस्टम। ये दो ऑप्शन मैंने बताए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जहाँ पर नहीं लग रहा है वहाँ पे आप इसको लगा के देख लेंगे। अब क्या होगा, हर बार जब भी मैं की प्रेस करूँगा पिछला आउटपुट रिमूव होगा और नया आउटपुट दिखेगा।
हेलो वेलकम। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई समस्या किसी को भाई, लाइव स्टूडेंट किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई चिंता परेशानी हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा हाउ टू यूज़ फंक्शंस, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन की लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन है उनको हम यूज़ कर रहे हैं, उनका काम क्या है। बस आज की क्लास में थोड़ा सा ये देखना है कि थोड़ी फैमिलियर हो जाओ, कुछ प्रोग्राम हम देने लगे आपको असाइनमेंट, तो आप बनाने के लिए थोड़ा एलिजिबल हो जाओ कि उनको आप बना सको। तो कोनियो डॉट एच के कुछ फंक्शन हमने बताए हैं, यहाँ पर गेट सी एच बताया हुआ है क्या करने के लिए, थोड़ी देर होल्ड करेगा। क्लियर अगर स्क्रीन नहीं हो रही है, क्लियरिंग स्क्रीन करना है, तो कोनियो डॉट एच का एक फंक्शन है कौन सा, सी एल आर एस सी आर, या फिर एक फंक्शन है सिस्टम सी एल। यूजुअली हम शुरू में लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम बीच में लगा देंगे क्लियर स्क्रीन तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा खुद का आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो हमें सोच समझ के लगाना है, ऐसा नहीं कहीं भी लगा दो, ठीक है ना, कहीं भी नहीं लगा देना। तो चलिए अब इसी पर कुछ और प्रोग्राम हैं जिसको हम समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, जो बच्चे लाइव स्टूडेंट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए एक प्रोग्राम है मेरे पास डिले, एक आउटपुट या एक फंक्शन है डिले। कौन सा फंक्शन है डिले, डिले। अब हम दो चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे हैं। देखो इधर अगर हम देखें तो हम क्या चला रहे हैं, टर्बो। इसलिए हम कंपैरेटिव स्टडी आज करा रहे हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि कौन से फंक्शन है जो नहीं चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर। इसीलिए सी को मैंने कहा था, सी इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, याद है। टर्बो चल रहा है डॉस पर, और जो हमारा ये है कोड ब्लॉक वो चल रहा है विंडोज पर, ठीक है, विंडोज प्लेटफॉर्म पर। इसलिए दोनों में थोड़े से क्या है डिफरेंस है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट भाई, कोई दूसरा वीडियो चल गया, कोई दूसरा वीडियो चल रहा है, इसको बंद कर दिया। रुक जाओ भाई, वीडियो चल रहा है, इनको बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो अब कुछ और प्रोग्राम देखिएगा, एक फंक्शन है डिले। कौन सा फंक्शन, डिले। नाम से क्या पता चल रहा है आपको, रोक देगा प्रोग्राम को, थोड़ी देर रोकेगा और ऑटो रिज्यूम कर लेगा, थोड़ी देर रोकेगा और ऑटो रिज्यूम करेगा, ऑटोमेटिकली रिज्यूम कर लेगा उसको। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, हेडर फाइल अगर नहीं लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा, याद रखना है भाई मुझे डॉट सी से सेव करना पड़ेगा, जब कोई स्पेशल नहीं चलेगा फंक्शन तो मैं लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद मैंने लिख दिया हेलो, एंड अगर मैं चाहता हूँ न्यू लाइन पर आए दूसरा प्रिंट एफ, तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो पिछले वाले प्रिंट एफ के लास्ट में स्लैश एन लगा दो, या इस वाले के शुरू में लगा दो। पुट्स भी लगा सकते हैं, गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन पुट्स भी यहाँ से न्यू लाइन करेगा, इसके पहले वाले में तो मुझे स्लैश एन लगाना ही पड़ेगा। पुट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन किस लाइब्रेरी का है, एस टी डी आई ओ, पुट्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हेलो हाय वेलकम एंड बाय, चार मैसेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमने पिछली बार यहाँ पर गेट सी एच यूज किया था, पिछली बार हमने गेट सी एच यूज किया था, अभी मैं सिर्फ लास्ट में गेट सी एच यूज करूंगा, सो दैट जो आउटपुट है वो मुझे होल्ड हो जाए, मिल जाए। और शुरू में क्या यूज करूंगा मैं, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, या फिर सिस्टम सीलेस, ठीक है। प्रोग्राम को पहले सेव करना पड़ेगा, डॉट सी, और इसके बाद मुझे कर देना है कंपाइल या रन, या कंट्रोल एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन। गेट सी एस तो लगा है भाई, फिर क्या दिक्कत है, कंपाइल कर दिया। हेलो हाय वेलकम एंड बाय आ रहा है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में थोड़ा सा रुके प्रोग्राम,
तो रुके और फिर अब गेट सी एस लगा तब तक रुकेगा जब तक मैं कोई इनपुट नहीं दे दूंगा। यूज़र बैठा है तो वो भी बैठा हुआ है, तो इसके लिए मैंने लिखा डिले। क्या लिख दिया मैंने? डिले। डिले लिख दिया मैंने 1000। देखते हैं क्या होता है। नहीं रुकेगा, 1000 मिली सेकेंड है ये। क्या है? मिली सेकेंड, वैल्यू इन मिली सेकेंड्स। और मिली सेकेंड्स कहता है कि 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कितने देर रुका ये? केवल 1 सेकेंड। अगर मुझे 2 सेकेंड रोकना है क्या लिखना पड़ेगा? 2000। रन करें। अब आपके पास दो ऑप्शन मिल चुके हैं आपको भाई। आपके पास एक विकल्प ये था गेट सेस लगाएं, एक विकल्प ये था कि थोड़ी देर ही चलने दो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसे क्या करो, ऑटो एग्जिट करो। दोनों में फ़र्क है भाई, वो इनपुट फंक्शन है और ये एक्चुअल में डिले फंक्शन है। ये उतनी देर बाद चीज़ों को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। मैं चाहता हूँ कि सारे मैसेज एक एक सेकेंड के डिफरेंस में आए, एक के बाद एक, तो इन सब के बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ? डिले। एक एक सेकेंड के अंतर में चाहिए मुझे, तो मुझे क्या लिखना है? डिले, डिले 1000। ये सारे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, जो भी लाइव बच्चे हैं, और इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना है। सिंपल हैं, सरल हैं, इसलिए ये नहीं सोचना कि तो बहुत सिंपल प्रोग्राम, इनका क्या प्रैक्टिस करें। करिए आप, इनका भी प्रैक्टिस करिए, ईजी से चलेंगे टिपिकल की तरफ तभी मज़ा आएगा। पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, देन 2 सेकेंड और फिर एग्जिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो डिले फंक्शन समझ में आ गया। तो डिले फंक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हॉल्ट फॉर ऑटो कह सकते हैं, उस हम कहते हैं कि ये ऑटो रिज्यूम हो सकता है, वेटिंग देन ऑटो रिज्यूम। क्लियर स्क्रीन, और ये हो गया। अब चलिए एक हम एक इन दोनों का यूज़ करके बढ़िया सा पैटर्न डिज़ाइन करते हैं। बढ़िया सा पैटर्न ये डिज़ाइन करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम, मेरा जो नाम है, स्क्रीन पर 3 बार ब्लिंक हो। कितनी बार? 3 बार मेरा नेम ब्लिंक हो। ब्लिंक समझते हैं, ब्लिंक मतलब आना जाना, गायब हो जाए, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा। तो लूप की बात ही नहीं करो, वो लूप पढ़ाया कहाँ तुम्हें? तो जो चीज़ पढ़े इसकी बात करें। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझ में आता है कि मुझे इन दोनों फंक्शन को अगर हम मिक्स कर लें, कौन कौन से फंक्शन, अगर मैं फंक्शन क्लियर को और डिले को मिक्स कर लूँ, तो ये इफ़ेक्ट बनेगा किसका? प्रिंटिंग का। बिल्कुल सेम इफेक्ट बनेगा। देखो ये वाला प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लाइव स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा, क्लियर किया, और मैंने लिखा प्रिंट एफ, हमने लिख दिया जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशंस। जिस टेक्नो सॉल्यूशन के बाद हमने यहाँ पे कर दिया डिले। हमने कहा भाई कि काम करो, जिस टेक्नो सॉल्यूशन 1 सेकेंड तक दिखना चाहिए, 1 सेकेंड तक दिखना चाहिए, और 1 सेकेंड दिखने के बाद क्लियर स्क्रीन या सिस्टम सीएलएस हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद भी तुरंत जिस्ट नहीं दिखना चाहिए, अगर तुरंत दिख गया तो पता भी नहीं चलेगा क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अगेन डिले किया, बट इस बार हमने डिले थोड़ी देर के लिए किया, आधे सेकेंड के लिए। ठीक, कितने सेकेंड के लिए? हाफ सेकेंड के लिए। और उसके बाद फिर से हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैंने लिखा तो फिर अगर मैं रिपीट कर दूं, अगर इसी चीज़ को फिर से मैं रिपीट करूं, तो सेम ये प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर प्रिंट एफ आएगा, फिर थोड़ी देर डिले करेगा, फिर थोड़ी देर मिटाएगा और फिर डिले करके प्रिंट करेगा। 3 बार ब्लिंक करना है, तो मैंने 3 बार सेम प्रोग्राम को लिखा है। समझते जाना भाई, कितनी बार लिखा है? 3 बार। क्या कोई प्रोग्राम में अंतर है? नहीं, सेम चीज़ों को मैंने रिपीट किया। यही जब रिपीटिशन आगे प्रोग्राम हम पढ़ेंगे, व्हेन वी रिपीट द सेम नंबर ऑफ लाइंस अगेन एंड अगेन, देन वी शुड यूज लूप।
इनके लिए क्या यूज करना चाहिए? लूप। लूप इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। बट अभी लूप नहीं पड़ा, तो अभी तो हम सिंपल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई, ठीक है, जितनी बार करना उतनी बार कर दो, क्या दिक्कत है। रन किया, जिस टेक्नो सॉल्यूशन गायब, जिस टेक्नो गायब और जिस टेक्नो सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम इफेक्ट बना, ब्लिंकिंग का इफेक्ट हुआ। जब हम इसे लूप से पढ़ेंगे तो फिर इसे मूविंग का इफेक्ट भी कर सकते हैं, किधर से मूव करते हुए हम कहीं और ले गए, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम बनाते हैं कोड ब्लॉक में तो एक समस्या आएगी। अब ये बताना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोड ब्लॉक में डिले फंक्शन काम नहीं करता। कौन सा फंक्शन? डिले फंक्शन काम नहीं करता कोड ब्लॉक में। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और अगर हमने यहाँ पे लिखा जिस्ट, और फिर हमने डिले चलाया, डिले 1000, देन मैंने लिखा प्रिंट एफ टेक्नो सॉल्यूशन, ये मैंने चला तो दिया, देखते हैं भाई कैसे काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा एरर, यहाँ पर एरर आ गया, कौन सा फंक्शन नहीं चल रहा है? डिले। तो इसका सॉल्यूशन देखना होगा कि भाई डिले की जगह पर यहाँ पर कौन सा फंक्शन काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर डिले का अल्टरनेटिव बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इंक्लूड करना है हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड windows.h, हेडर फाइल का नाम क्या है? windows.h, एंड देन windows.h हमें एक फंक्शन देगा स्लीप, विच फंक्शन? स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन देखते हैं चल रहा कि नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं, हाँ चलेगा। तो सेम काम करेगा, बट फंक्शन का नेम यहाँ बदल जाएगा स्लीप। इसीलिए मैंने कहा कि सी में जो लाइब्रेरीज होती हैं, देखो वो अलग अलग करते, बाकी वेरिएबल काम करेंगे, फंक्शन काम करेंगे, लूपिंग काम करेगी, बाकी सारी चीज़ें काम करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस थोड़ा समझना ज़रूरी है शुरू की इन दो तीन क्लासेस में, कि कहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी काम नहीं करती है। तो एक तो क्लियर स्क्रीन काम नहीं किया, दूसरा क्या काम नहीं किया? डिले। डिले का अल्टरनेटिव बता दिया, क्लियर स्क्रीन का अल्टरनेटिव बता दिया, यही अल्टरनेटिव सब जगह काम करते रहेंगे। अगर नहीं चला किसी में तो स्लीप फंक्शन चला, ठीक है। तो देखो भाई मैं करता हूँ इसको रन फिर से, देखता हूँ क्या स्लीप काम कर रहा है। तो जिस्ट और उसके एक सेकंड बाद टेक्नो सॉल्यूशन आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ब्लिंक का प्रोग्राम थोड़ी ना है, कहाँ देख रहे हो भाई, दिमाग को यहाँ रखो, ब्लिंक का प्रोग्राम नहीं है। ब्लिंक का प्रोग्राम अब तुम लोग इसको बना सकते, ठीक है, बस क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया और ब्लिंकिंग का प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। तो हमने देखा प्रिंट एफ, हमने देखा गेट सी एच, हमने देखा स्लीप, हमने देखा डिले, हमने देखा पुट्स, हमने देखा सिस्टम सी एल एस, ये सारे हमने देख लिए हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं, अभी केवल फंक्शंस की बात कर रहे हैं अभी हम। भाई लाइव स्टूडेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई, किसी को कोई समस्या हो कोई तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? बिट्टू, राहुल, ऋषिश, सूरज, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल फंक्शन है जो कि आपको डॉस में देखने को मिलेगा, उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर विंडोज़ में थोड़ा कठिन है, तो उसको मैं अल्टरनेटिव विंडोज़ पर नहीं बताऊँगा अभी, उसको डॉस में ही समझिएगा, क्योंकि उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन बनाना भी सिखाया नहीं, तो कल की क्लास में होगा या अगली क्लास में बता दूंगा मैं। अगला काम ये आता है कि भाई प्रिंट एफ मैं कर रहा हूँ, तो ये एक चीज़ कन्फर्म है कि प्रिंट कहाँ कर रहा है, केवल उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक के नीचे एक प्रिंट कर रहा है, ज़्यादा हुआ तो नीचे लाइन पर प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे स्क्रीन के कोने कोने या स्क्रीन में कहीं भी प्रिंट करना, मिड में प्रिंट कराना है, लास्ट में प्रिंट करना है, पोजीशन बदलनी है, हाउ टू सेट द पोजीशन ऑफ कर्सर टू प्रिंट एनी कैरेक्टर, हाउ टू सेट पोजीशन ऑफ कर्सर टू प्रिंट एनी कैरेक्टर। तो पोजीशन समझने के लिए एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है पहले, और वो ये है कि आप स्क्रीन का रिजोल्यूशन समझिए। जब आप किसी भी कंसोल पे काम करते हैं, ये आपका पूरा कंप्यूटर है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है,
कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा याद रखो कि जब भी कोई कैरेक्टर बनता है तो ये सब इनमें पिक्सल्स में बटी होती है, ठीक है, इनमें क्या बटे होते हैं, पिक्सल्स बटे होते हैं। तो पिक्सल्स की अगर हम बात करें, पिक्सल्स तो ये तो होते हैं ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स बनाने, तो पिक्सल बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों पिक्सल हो सकते हैं, जैसे रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे पिक्सल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ये स्क्रीन की बात है, बट सी के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सी का प्रोग्राम स्क्रीन को स्क्रीन नहीं कहता, इसको क्या कहता है, कंसोल। कंसोल का मतलब होता है यहाँ की जो स्क्रीन होती है वो कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है, इन प्लेस ऑफ पिक्सल्स क्या मिलते हैं, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है, बस इसको समझ लेना है कि कंसोल की स्क्रीन की अगर हम बात करें तो एक रो में हाउ मैनी कैरेक्टर हो सकते हैं, केवल 80 कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रिंट कर सकते हैं, 80। एंड नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ लाइन वुड बी ओनली 25। ऊपर से नीचे की तरफ कितनी लाइन है, 25। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम लोग बना लेना। तो अगर हम कंसोल की बात करें तो ओनली 80 कैरेक्टर्स कैन बी प्रिंटेड इन अ सिंगल लाइन एंड ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ लाइन वुड बी 25। टोटल ऑफ लाइन वुड बी 25। ये एक रेशियो याद रखेंगे, इसका एक रिजोल्यूशन होता है कंसोल का। अब अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए कि मैं इस एक्स और वाई की, इसको हम याद रखो, इसको हम एक्स पोजीशन कहते हैं और इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं, वाई। ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, एक्स, लेफ्ट टू राइट वाली एक्स, टॉप टू बॉटम वाई। अगर मुझे यहां पे प्रिंट करना है राम, तो देखो सबसे पहले मुझे एक्स देखना पड़ेगा यहां से कितना दूर है, ठीक है ना। यहां से कौन सी पोजीशन, मान लो भाई ये टोटल 80, तो हम अंदाजा से मान लेंगे दिस इज 40, और वाई मतलब ऊपर से नीचे, वाई ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 25 ही है, तो एक अंदाजे से मान लिया कि 12-13 नंबर का क्या हो गया, वाई। तो अगर मैं एक्स और वाई की पोजीशन चेंज कर पाऊं तो मैं अपने आउटपुट को भी यहां से वहां शिफ्ट कर सकता हूं। और इसको सेट करने के लिए एक फंक्शन है मेरे पास, उस फंक्शन का नाम है गो टू एक्स वाई, इकट्ठा लिखा है, क्या लिखा है, गो टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू दे दो और किसकी वैल्यू दे दो, वाई की, एंड दिस फंक्शन इज कमिंग ओनली फ्रॉम कोनियो डॉट एच। कहाँ से आएगा फंक्शन, ये कोनियो डॉट एच से आएगा, और ये फंक्शन ओनली फॉर डॉस पे काम करेगा, मतलब टर्बो पे तो काम करेगा, बट ये कोड ब्लॉक में काम नहीं करेगा। तो कोड ब्लॉक का अल्टरनेटिव बताएंगे, बट फंक्शन समझना, इसलिए ये वाला प्रोग्राम हम आपको कोनियो पे ही करके दिखाएंगे, दैट मीन्स आपको टर्बो पे करके दिखाएंगे। कौन सा फंक्शन है, गो टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू, गो टू एक्स वाई के अंदर एक्स और वाई में नंबर लिखना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर 80 तक हो सकती है, और वाई की वैल्यू एक से लेकर सिर्फ कहाँ तक, 25 तक। क्लियर इतनी चीज। फंक्शन का नाम क्या हुआ, गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई। सो देखो भाई, यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगानी है अपन को, क्यों लगानी है, तो बंद करने के बाद भी कैपिटल ही आ रहा है तो समस्या हो जाती है। कैपिटलाइज हो गया, रुक जाओ, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कैपिटलाइज क्यों हो गया ये, कोई बात नहीं, थोड़े से इशू होते हैं। मेन चलाया मैंने। अब देखो, अगर आप चाहते हो सेव करने की झमेले से बचना, कि बार बार सेव ना करना पड़े, तो फिर कन्फर्म है कि मुझे हेडर फाइल लगा के चलने, कौन कौन सी भाई, हैश इंक्लूड, इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल हो गई। चलो भाई, सबसे पहले स्क्रीन में सारा कुछ पिछला क्लियर करें, तो क्या लिखा हमने, clr scr, एंड देन हमें कहीं दूसरी पोजीशन पे ले जाना है, तो देखो हम लिखा go to xy, मैंने लिखा 10 and 5, एंड देन मैंने लिखा printf
प्रिंट एफ, यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ, चलो मैंने लिख दिया रमेश, ठीक है। 10 मतलब लेफ्ट टू राइट कितने पिक्सल, कितने करेक्टर पे गया होगा, 10th पोजीशन पर, और ऊपर से नीचे कहाँ पे आएगा, 5th वाले पे। लास्ट में हमेशा गेट सी एस लगा के चलना है, सो दैट हमारा आउटपुट एक बार रन करें तो हमें दिखता रहे। अभी एक बार इसको देख लेंगे कि कैसा दिखेगा, ये देखते रहना भाई। यहाँ पर आया, समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट 10, ऊपर से नीचे कहाँ 5। अब मुझे बताओ कि अगर मैं वाई वैप बढ़ाऊंगा तो रमेश लेफ्ट टू राइट खिसकेगा या ऊपर से नीचे खिसकेगा। हाँ, तो अब मुझे रमेश के नीचे सुरेश प्रिंट करना, रमेश से 2 नंबर नीचे सुरेश प्रिंट करना, इसी लाइन पे इसी के जस्ट नीचे सुरेश प्रिंट करना है, तो गो टू एक्स वाई क्या लिखूंगा, गो टू एक्स वाई एक्स। देखो ये पोजीशन फिक्स्ड है, लेफ्ट टू राइट बराबर रहेगा, लेकिन ऊपर से नीचे मुझे साइज बढ़ानी है, तो 2 स्टेप बढ़ानी, 7 किया, देन प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सुरेश, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब मुझे रमेश के ऊपर कुछ लिखना है, लेकिन लिखना यहीं पर है इसके नीचे, बट ये जाए रमेश से ऊपर, तो क्या लिखूंगा, गो टू एक्स वाई। रमेश से ऊपर अगर मुझे कुछ ले जाना है रमेश के ऊपर, रमेश के ऊपर प्रिंट एफ, और हमने दिया कमलेश। देखो लेफ्ट टू राइट तो ऐसा रहेगा, रमेश के ऊपर मतलब रमेश का अबव लिखना, रमेश के ऊपर राइट नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब मुझे बताओ कि मुझे एक नाम स्क्रीन के चारों कोनों पर दिखाना है, एक पहले वाले कोने पर, एक दूसरे वाले पर, एक नीचे बॉटम के लेफ्ट वाले पर, एक बॉटम के राइट वाले पर, इन्हीं नामों को मुझे चार जगह ले जाना है, एक एक करके बोलो। हाँ ठीक है भाई, देखो मुझे फर्स्ट वाले पे ले जाना है, फर्स्ट वाले को मुझे दिखाना है, तो मैं फर्स्ट वाले के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने प्रिंट एफ कर दिया जिस्ट, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, शुरू में ही आता है 0-0 पे। दूसरा मुझे इस स्क्रीन के राइट वाले कॉर्नर पे ले जाना है, क्या करना पड़ेगा बताइए, गो टू एक्स वाई, टॉप राइट पे ले जाना। सभी लोग सोचें भाई, टॉप के राइट वाले पर मतलब इस कोने पे, जैसे ये 5 लिखा ना, इधर चाहिए मुझे 1, तो मिनिमम है 80, 1। अब यहाँ भी एक समस्या देखो, यही लॉजिक की थोड़ी समस्या हो जाती है, अब लॉजिक आएगा, टेंशन नहीं लेना। सभी बच्चों के दिमाग में ऐसे ही लग रहा होगा भाई ठीक है, 80 मतलब आखिरी में चला गया, आखिरी में चला गया, लेकिन भाई साहब 80 में तो खत्म हो जाता है ना, तो वो चार करेक्टर कहाँ जाएंगे, अरे करेक्टर कितने हैं, 4, वो 4 करेक्टर के स्पेस भी तो चाहिए, तो 80-4 करना पड़ेगा ना, 76 से जब प्रिंट करेंगे तब तो 80 तक जाएगा, 76-1। देखो अगर मैं कर भी दूं कोई दिक्कत नहीं, तो एक ही करेक्टर यहाँ आया जी, एक ही तो करेक्टर का स्पेस था, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ कि मैक्सिमम मेरे पास है ना, और 4 करेक्टर हैं, तो भाई यहाँ पर उन 4 के लिए तो स्पेस चाहिए, तो उन 4 के लिए क्या स्पेस चाहिए, 76 कर दो भाई, 76.1 क्लियर है। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो चलो नीचे वाले दोनों कॉर्नर का बताओ, लिख के बताओ। ये स्क्रीन पे मत सोचना कि थोड़ा स्पेस बच रहा है, वो इसलिए बच रहा है क्योंकि वो स्क्रीन हमारी ऐसी है। अब दो वैल्यू बताओ, एक लास्ट में दिखाना पहले वाले के नीचे, एक दूसरे वाले के जस्ट नीचे, गो टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1, और ये 20, हाँ यहाँ तो 25 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 76 स्लो, बातें बिल्कुल धीरे से बोलना है, ताकि लाइव वाले बच्चों को एक्स्ट्रा वॉइस नहीं जानी चाहिए। देन गो टू एक्स वाई, ये 125 हुआ, और उधर वाला कौन सा जाएगा, 76.25। बस बॉटम तक तो आना है आपको, लेकिन कॉर्नर में नहीं चले जाना, 4 करेक्टर की स्पेस बचा के रखनी है, तो प्रिंट एफ जिस्ट।
तो ये हमने देख लिया गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए भाई एक असाइनमेंट लिख लीजिएगा, आपको क्या करना है, प्रोग्राम किस चीज़ का बनाना है वो लिखो। हमने ब्लिंकिंग का देखा था, प्रोग्राम देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ब्लिंक कर रहा था। मुझे एक ऐसा इफेक्ट जनरेट करना है कि मेरा नाम चलता हुआ दिखे, पांच बार शिफ्ट हो, पहले यहाँ दिखे फिर गायब होकर यहाँ दिखे, ऐसा लगे खिसक रहा है। और खिसकने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ब्लिंक कराते हुए आगे बढ़ाना, ब्लिंक तो नहीं कराना है, क्या कराना नहीं पता मुझे, मुझे नेम को शिफ्ट करना लेफ्ट राइट, नेम को शिफ्ट करना है लेफ्ट राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए लाइव वाले स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी बच्चे नोट जरूर बनाएंगे, नोट जरूर बनाएंगे, भले लाइव देख रहे हैं भले ही मैं कितना भी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक रफ बना लो कुछ भी जिसमें एटलीस्ट प्रोग्राम का तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत लिख लिया करो, क्योंकि हो सकता है नोट्स में हाथ प्रोग्राम नहीं होगा मेरे, प्रोग्राम तो मैं रन टाइम पे बनाता हूँ ना धीरे धीरे। हाँ तो प्रोग्राम्स का सभी बच्चे अपने कॉपी में जरूर बनाएंगे नोट्स, भले डिपेंड रहोगे सॉफ्ट कॉपी पर, प्रोग्राम के लिए सॉफ्ट कॉपी पे डिपेंड बिल्कुल मत रहना, प्रोग्राम बनाते रहना एक सेपरेट कॉपी में। तो चलिए देखिए ये प्रोग्राम हो गया ना, समझ में आ गया। मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो लिखा प्रिंट एफ, जिस्ट लिखा, जिस्ट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर प्रिंट हो, तो सबसे पहले हमने डिले किया, डिले किया हमने, देन पहले क्लियर स्क्रीन नहीं करोगे क्या, नहीं तो वो तो वहाँ रखा ही रहेगा, देन उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद गो टू एक्स वाई, मुझे उसी लाइन पर आगे बढ़ना है, मतलब मुझे सेम लाइन पे, मैंने सपोज को 10 बढ़ गया उसी लाइन पर सेम टू सेम, एंड प्रिंट एफ अगेन क्या लिख दिया, जिस्ट लिख दिया, देन अगेन मुझे करना है डिले, देन क्लियर स्क्रीन, देन गो टू एक्स वाई। अब कहाँ जाना है, थोड़ा सा और आगे चले जाओ, अरे नीचे थोड़ी नहीं सकना, सेम लाइन पे चलाना, वाई बढ़ाओगे तो नीचे आ जाएगा, प्रिंट एफ हाँ जहाँ पेंड होगा वहाँ पे शुरू करना है अगर तो 14 कर सकते हैं। अब देखो भाई इसको रन करके देखें, एक एरर आ रही है, और एरर आ गई किस पे, डी ई, क्यों दिक्कत हो रही बताओ जरा, डी ई एल ए वाई डिले लिखा हुआ है फिर भी दिक्कत हो रही है, नहीं अभी तक तो नहीं लिख रहे थे, हो जाएगा वो, सोचिए जरा दिक्कत क्यों आई होगी, सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन डी ई एल ए वाई शुड हैव अ प्रोटोटाइप डिले, देखो यहाँ पर फाइल किसकी है, सी प्लस प्लस की है, और जो डिले फंक्शन है ये भी बता दूँ, विंडोज़ में कहाँ से आ रहा था ये, डॉस डॉट एस से, विंडोज़ में उसमें आ रहा था विंडोज़ डॉट, कहाँ से, टर्बो में, सॉरी कोड ब्लॉक में, यहाँ पर आएगा डॉस डॉट एस से, कहाँ से, अगर कभी ये फंक्शन दिक्कत दे तो किसको इंक्लूड कर लेना, इंक्लूड डॉस डॉट एच, अरे बार बार हट रहा है, इंक्लूड डॉस डॉट एच, अगर ये भी फंक्शन ना चले, अभी टेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर एस टी डी लिब डॉट एच, एक बार चला के देखते हैं पहले, जिस्ट जिस्ट और ये जिस्ट दिखा, लाइव स्टूडेंट्स आपको शक दिखा इसका, जिस्ट देन शिफ्ट होके जिस्ट देन शिफ्ट होके जिस्ट, कौन कौन सा बिल्कुल जैसा हम चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलो एक असाइनमेंट लिख लो फटाफट, तुम लोग सभी बच्चों के लिए असाइनमेंट रहने वाला है ये,
और वो असाइनमेंट ये है कि कुछ आपको प्रिंटिंग करनी है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसा का वैसा प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करना है योर नेम, जो भी नाम है, मैं जस्ट एक नाम ले लेता हूँ राम, देन उसके नीचे राम, देन उसके नीचे राम, देन इनके नीचे राम, एंड देन इसके नीचे राम। ये मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे प्रिंट चाहिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। फर्स्ट आउटपुट, ठीक है, किसका यूज़ करना है, गो टू एक्स वाई का यूज़ करके बनाना है, गो टू एक्स वाई का यूज़ करके बनाना है, ठीक है, गो टू एक्स वाई का यूज़ करके बनाना है। दूसरा आउटपुट है गो टू एक्स वाई का यूज़ करके बनाना है। वो आपके ऊपर है, हमको इससे मतलब नहीं, आप बनाएं, हमको अल्टरनेट लास्ट में फाइनली आउटपुट मिलना चाहिए। आप चाहे वो रुक रुक के मिले, क्लियर होके मिले, एंटर होके मिले, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपको जैसे बनाना है बनाइए। ये प्रोग्राम आपको किससे बनाने हैं, गो टू एक्स वाई से बनाने हैं, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोड ब्लॉक पे गो टू एक्स वाई नहीं चलेगा, इसलिए टर्बो पे बनेगा ये। कोड ब्लॉक के लिए मैं बता दूंगा कल की क्लास में, जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना आप लोग, तो फिर बताऊंगा मैं कि कैसे आपको इसको अल्टरनेटिव क्या है यहाँ पर कोड ब्लॉक में, इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि गो टू एक्स वाई चलेगा नहीं यहाँ पे। अगर हम चला भी दें गो टू एक्स वाई और अगर हमने 10-20 कर भी दिया, बस चलाने के लिए देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन हो पाएगा। नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे पहले मुझे फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है, तो इसलिए अभी नहीं, कल की क्लास में बताऊंगा मैं उसको कैसे करना है। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने किया 1x1 मैसेज शो करना। अब चलते हैं इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, जो फाइल आपके पास गई है, ये फाइल मिल गई है, तो शो मैसेज वन आफ्टर वन व्हेन यूज़र प्रेस एनी की, मतलब हर एक मैसेज के बाद मुझे क्या लगा देना, गेट सी एच, जब यूज़र की प्रेस करे तो मुझे गेट से लगा देना। हाँ, ये लिखा है void main। इसके पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई कि main को अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, एक main होता है, एक होता है void main। अगर आप चाहे तो return नीचे नहीं लिखना है, तो आपको फिर क्या लिखना होगा, void main, क्योंकि by default return type is integer, by default return type is integer, but नहीं लिखना, आप तो सीधे main से बनाइए। Then show message one after one clearing the console, कंसोल को क्लियर करना है, देन प्रिंट करना है, तो आपको लिखना है क्लियर किया, देन गेट सी एच किया है, और उसके बाद आपने मतलब शुरू में क्या लगा दिया, क्लियर स्क्रीन, देन गो टू एक्स वाई, ये भी देखो नोट्स में डाला हुआ है, स्पेशली बताया है कि आपको कैसे बनाना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पता है आपको, 1 to 80 एंड 1 to 25। ये आउटपुट देखो यहाँ पे, और ये तो बना बनाया मिल जाएगा आपको, यहाँ बना हुआ है इसका प्रोग्राम शायद से, देख लेना बना होगा तो। देन हमने क्या बताया, डिले, डिले स्टेटमेंट भी आपको बता दिया कैसे काम करेगा। डिले एंड गो टू एक्स वाई फंक्शन कैन नॉट बी यूज इन कोड ब्लॉक डायरेक्टली। डिले कई जगह पे हम क्या यूज करेंगे, स्लीप दैट इज कमिंग फ्रॉम द विंडोज डॉट एच हेडर फाइल, ये मैंने आपको बता दिया है। डिले, ठीक है, ये तो कर दिया है। फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम, चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो समझा फ्लो कैसे चलता सी के प्रोग्राम का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए, कई बार जैसे तुम लोग इंटरव्यू के लिए जिनको जब भी जाना होता है तो उनसे पूछ लिया जाता है कि सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे कंपाइल होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। आपने सी का प्रोग्राम बनाया और आपने सेव किया डॉट सी से, आपने सी का प्रोग्राम बनाया हुआ है और किससे सेव किया है, डॉट सी से सेव किया है। छोटा सा प्रोग्राम है ये, आपके पास छोटा सा प्रोग्राम है, 4 लाइन का, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इस प्रोग्राम का नाम है p1.c। क्लियर है यहाँ तक। जब भी प्रोग्राम आप बनाते हैं द प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, इसको हम कौन सा प्रोग्राम कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम, दिस इज द सोर्स प्रोग्राम। अब जब आपने इसे कंपाइल किया, जब भी आप इसे क्या करने जाएंगे, कंपाइल, तो कंपाइल करते समय अब यहाँ हमें लगता है इसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया होगा, तो कितने लाइन का बना होगा ये भी समझिए। तो
पहले डायरेक्ट ये कंपाइल नहीं होता, पहले इसमें हेडर फाइल लगी होती है। अभी देखा आपने कौन से फाइल लगी है, हेडर फाइल। तो अगर हेडर फाइल लगी है तो इसका मतलब है कि अब आपका प्रोग्राम ये चार लाइन के नहीं है, उन हेडर फाइल के अंदर जितनी लाइंस हैं वो भी मर्ज हो गई किसके साथ, आपके प्रोग्राम के साथ। जितनी भी हेडर फाइल में, सपोज करो एक हेडर फाइल में 100 लाइन थी, दूसरे में 50 लाइन थी, तो 100 प्लस 50 और प्लस 4 कितने लाइन का प्रोग्राम आपका अपना 154। दिस इज द एक्चुअल लाइंस जो बनी है, और ये दोनों कोड असेंबल हो गए। मिलना मतलब क्या बन गया, असेंबल। सो एक इंटरमीडिएट कोड बना जिसका नाम हमने क्या कहा, असेंबली कोड बना। कौन सा कोड बना, असेंबली कोड बना। किसको किसको मिलाकर, हेडर फाइल और मेरे कोड को मिलाकर क्या बना, असेंबली कोड। ठीक है, तो समझते जाना। सबसे पहले क्या कहा हमने कि भाई आपका सोर्स प्रोग्राम है, प्री प्रोसेसर मतलब हैश इंक्लूड लगा, और एक्सपेंडेड बड़ा प्रोग्राम बन गया। एक्सपेंडेड के बाद कंपाइल हुआ और क्या बना, असेंबली कोड। और असेंबली कोड को कंपाइल करने के लिए कौन सा आएगा, असेंबलर। तो इंटरनली, इंटरनली अंदर से यहाँ पे कौन काम करेगा, असेंबलर। और उसे कंप्लीट करके किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। किस में बदला, ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। तो ये जो कोड बना असेंबली कोड, यहाँ पर एक अगेन असेंबलर होगा, असेंबलर, और ये इसका एक नया कोड बनाएगा जिसका नाम कौन सा कोड होगा, ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड मिला कंप्यूटर को, ये ऑब्जेक्ट कोड किसको मिला, कंप्यूटर को। और कंप्यूटर में इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, देने के लिए, अब कंपाइल तो हो चुका है, यहाँ पे काम करेगा कौन, लिंकर। किसने किया, लिंकर। लिंक करके इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। अब ये लिंकिंग होगी किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसको रन करेगा ना, क्या करना है इसको, रन। रन करेगा मतलब मेमोरी लगेगी, रैम भी लगेगी, कंप्यूटर की मेमोरी भी आएगी चीज। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी पे आता है तो इसको हम बोलते हैं लोडिंग। इससे क्या कहते हैं हम, लोडिंग। अब लोडिंग होगी, अभी लोडिंग नहीं हुई थी, अभी सिर्फ लिंकिंग हुई थी, अब क्या होगी, लोडिंग। तो लोडिंग का जो काम करेगा वो कहलाएगा लोडर। वो काम कौन कर रहा है, करेगा लोडर। और लोडिंग होने के बाद आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन या एग्जीक्यूट होगा, रन या क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो अब देखिए पूरा स्टेप एक बार समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सी का प्रोग्राम, सिंपल डॉट सी मान लो नाम है, देन उसके साथ प्री प्रोसेसर मतलब हैश इंक्लूड वगैरह जुड़े, और इससे क्या बन गया, ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड। एक्सपेंडेड सोर्स कोड कंपाइल हुआ और क्या बना, असेंबली कोड। असेंबली कोड को असेंबलर ने किस में बदला, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर ने बदल दिया किस वाले पर, एग्जीक्यूटेबल कोड में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा कोड मिलता, एग्जीक्यूटेबल। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसने काम किया, लोडर ने, और लोडर ने उसको मेमोरी पे डाला होगा और हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जीक्यूट। ये स्टेप मुझे कल की क्लास तक याद होने चाहिए, ये स्टेप बिल्कुल याद होने चाहिए दिमाग में। पहले क्या, सी का प्रोग्राम, देन प्री प्रोसेसर, देन देन एक्सपेंडेड कोड, एक्सपेंडेड के बाद कंपाइल, कंपाइल से असेंबली कोड, देन असेंबलर, देन असेंबलर के बाद क्या बना, ऑब्जेक्ट कोड, देन लिंकिंग, एग्जीक्यूटेबल कोड, देन लोडर, एंड देन एग्जीक्यूट। क्लियर है, किसका प्रोसेस है, ये सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है, और इसके साथ ये वाली फाइल यहाँ पे फिनिश होती है। तो ये हुआ हमारा बेसिक्स ऑफ सी, अभी हमने समझा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अभी सी नहीं पढ़ाया कुछ भी, ये मत समझना सी पढ़ा दिया, अभी हमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है कि सी का प्रोग्राम कैसे बनता है, कैसे कंपाइल होता है, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, मेन फंक्शन कैसे होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और देन छोटे छोटे फंक्शन हमने पढ़ाए कि आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे करना है। अब जितने प्रोग्राम मैंने कराए हैं, ये 5, 7, 8, 10, सभी प्रोग्राम को आपको टाइप करके खुद से देखना है, चलाना है, एक्सेप्शन आए, एरर आए, उनको रिमूव करना है। लाइव स्टूडेंट्स कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक, किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। सब समझ में आ रहा है, चलिए फिर अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे क्लास को। अगला कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंस। अभी तक हमने ये समझा कि हम जो भी प्रिंट एफ में लिखते हैं वो सब प्रिंट हो जाता है, यही समझ रहे हैं कि भाई प्रिंट एफ में जो भी लिख रहे हैं सबका सब क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्रिंट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट नहीं होते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा हैलो
स्लैश हाई। सपोज करो मैंने लिखा हेलो स्लैश हाई, बट ये हेलो स्लैश हाई नहीं आएगा, सिर्फ हेलो हाई आएगा, हेलो हाई आएगा, हेलो स्लैश प्रिंट ही नहीं होगा। देखो दिख रहे हो कहीं पे, नहीं प्रिंट हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। चलिए उसी तरह से अगर मैं लिखा हेलो नारायण, हेलो स्लैश नारायण, हेलो स्लैश नारायण, अब क्या होगा, ये स्लैश एन मिलकर एक हो जाएगा, तो ये स्लैश एन से क्या होगा, न्यू लाइन। तो स्लैश एन तो यहाँ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो स्लैश एन भी क्या बन गया, एक एग्जीक्यूटेबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो कि एग्जीक्यूट होकर कुछ नया आउटपुट देते हैं इन प्लेस ऑफ दैट कैरेक्टर, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कैरेक्टर। तो हेलो आरायन आएगा, समझ रहे हो, आरायन आरायन ए आर ए वाई एन आरायन, एन चला गया क्योंकि स्लैश एन एक एग्जीक्यूटेबल कैरेक्टर। तो अब ये समझना हमको कौन कौन से एग्जीक्यूटेबल कैरेक्टर हैं। तो देखिए भाई कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं होते हैं, और जितने भी एग्जीक्यूटेबल कैरेक्टर वो किससे शुरू होते हैं, स्लैश से। पहली पहचान है दे आर स्टार्टेड विथ स्लैश, एंड सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द सी कैरेक्टर टू प्रिंट दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, ये तो थ्योरी लिखी हुई है बस ये आपको समझाने के लिए। अब देखो इनके लिस्ट है कुछ, कौन कौन से भाई, स्लैश बी, स्लैश ए, अब कुछ डेप्लिकेटेड हैं जो अब आजकल नहीं चलते, पुराने सीपीयू में चला करते थे, जैसे बेल अलर्ट अब नहीं आएगा, नहीं तो बीप की आवाज़ आती कई बार, जैसे हमने कोई इनपुट दिया ना, एक बार आता है टी फिर बंद हो जाता है, तो वो जो बीप की आवाज़ के लिए हम स्लैश ए यूज़ करते थे, अब आजकल के सीपीयू में नहीं आएगी। स्लैश आर कैरियर रिटर्न, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश एम फॉर एफ फॉर फॉर्म फीड, स्लैश ओ फॉर नल, ये सब चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे, बस इसको एक बार दिमाग में रख लो। स्लैश वी फॉर वर्टिकल टैप, स्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैप, स्लैश स्लैश फॉर ब्लैक स्लैश, एंड स्लैश कोटेशन फॉर डबल कोट, है ना। स्लैश डबल कोट प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश कोटेशन। देखो अगर यहीं पे मैं कहूँ कि हेलो और मेरा नाम आए अमित, और लेकिन मेरा नेम अमित डबल कोट में आए, तो वी कैन नॉट पुट डायरेक्टली डबल कोट ओवर हियर, क्योंकि हमने अभी कहा कि डबल कोट अगर मैंने लगाया तो ये डबल कोट यहाँ पर हो गया क्लोज। अब हुआ क्या कि अमित तो बाहर हो गया, हम क्या सोच रहे थे कि अमित कोटेशन के अंदर है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, हेलो हेलो हो गया कोटेशन के अंदर और अमित तो कोटेशन के बाहर हो गया, और ये जो हमने चालू किया तो ये अलग कोटेशन हो गया चालू बन, तो ये हो गया अमित तो बाहर, और अमित क्योंकि कोटेशन में नहीं लिखा तो ये बन गया एरर। ये क्या बन गया एरर, ये कह गई अमित कहाँ से आ गया बिना कोटेशन का, देख रहे हैं आप। तो जब भी आपको कोटेशन के अंदर कोटेशन प्रिंट कराना है तो क्या लगा देना है, स्लैश कोटेशन, ये वाला भी कोटेशन प्रिंट करना है तो स्लैश कोटेशन। अब देखिए भाई प्रिंट करते हैं, तो अगली क्लास में इन्हीं पर डिस्कशन होगा, जस्ट एक हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, हेलो अमित आ गया, कोटेशन आ गया। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं होंगे, और स्लैश लगाने से भी वो नहीं प्रिंट होगा, अब स्लैश थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है, स्लैश कोटेशन कन्वर्ट हो गया सिर्फ किसमें, डबल कोटेशन, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, आज थोड़ी सी थोड़ा कुछ काम भी हमें, तो आज क्लास भी जल्दी ख़त्म करें 15-20 मिनट पहले, इनका सबका प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग अगली क्लास में, ताकि हम इनको बिंदास पढ़ा सकें, हमें पता रहे कि हाँ भाई सारी चीज़ें आपको आ रही हैं, तो उसी गति से पढ़ सको जिस गति से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, पिछला कुछ भी नहीं रखना है अगली क्लास के लिए पेंडिंग, कि ये लगे कि यार ये मैंने किया नहीं इसलिए मुझे ये नहीं आ रहा, सब कुछ कंप्लीट करो, इसीलिए अभी एक दिन का गैप कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है हम रेगुलर क्लास करें, लेकिन अभी नहीं होगी इस महीने कम से कम, तो अभी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।